वाह क्या पति है, वाइफ का बर्थडे और इसको परवाह ही नहीं है, चांसेस हो रहा है। आई हेट यू, कितने अनरोमेंटिक हो तुम। आज मेरा बर्थडे है, गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो मुझे विश तक नहीं किया। काश मेरी शादी तुम्हारे छोटे भाई से हो जाती, कम से कम मैं बहुत खुश रहती ना। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कितना घुमाता है, कितना प्यार करता है, कभी यहाँ घुमाता है कभी वहाँ घुमाता है, और तुम आज भी सो रहे हो हमेशा की तरह। तुमको सुबह ऑफिस जाना है, रात को आना है और सो जाना है, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है किसी के पास। हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू देवर जी। आई लव यू भाभी। पीछे हटो, ये क्या बदतमीजी है? भाभी क्या हो गया, आप ही तो कल रात को कह रहे थे कि भैया की जगह काश आपकी शादी मुझसे हो गई होती। तो फिर अब क्या हो गया, मुझे लगा आपके मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। विभोर ये सब मैंने कब कहा तुमसे? दरअसल भाभी रात को नशे में ना आप अपने कमरे की जगह मेरे कमरे में आ गए, और वहाँ पर आपने वो सारी बातें बोल दी जो आपको भैया को बोलनी थी, तो बस मैं वही आपको बता रहा था। देखो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो मैं थोड़ी नशे में थी इसीलिए मैं गलती से तुम्हारे रूम में आ गई, और वो सब मैं इसलिए बोल रही थी ताकि तुम्हारे बड़े भैया को मैं जेलस फील करा सकूं, बस, और मेरा कोई इरादा नहीं था। प्लीज़ तुम गलत मत समझो, और मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। नहीं भाभी मैं गलत नहीं समझ रहा, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, ये बस मैं आपको रियलाइज़ करवाने के लिए बोल रहा था कि जैसे आपका इंटेंशन नहीं था ना मेरे लिए, वैसे ही भैया का भी इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करने का। वो प्यार करते हैं आपसे, लेकिन उनके प्यार करने का तरीका अलग है। और भाभी आप भैया को मुझसे कंपेयर कर रही हो, अरे अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता हूँ, उसके साथ एंजॉय करता हूँ, तो भैया के पैसों पे, भैया इस घर को चला रहे हैं, भैया मुझे पैसे देते हैं, भैया आपको पैसे देते हैं, और अगर भैया इस घर की जिम्मेदारियाँ ना संभाले ना भाभी, तो हम दोनों इस घर में एंजॉय नहीं कर सकते। तो भैया को मुझसे कंपेयर करने का तो मतलब ही नहीं बनता, और भैया जितना प्यार आपसे करते हैं ना भाभी, उतना दुनिया में किसी से भी नहीं करते, मुझसे भी नहीं करते। और आप उनके प्यार को जज कर रही हो कि वो आपको अगर घुमाने नहीं लेके जाते, आपका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रहे, तो उसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करते। हाँ विभोर तुम सही बोल रहे हो, मैं तुम्हारे भैया को गलत समझ लिया। आई होप भाभी आप समझ गए और सॉरी सबके लिए। इट्स ओके, होता है, तुम अपने रूम में जाओ। सनी आपका डिनर। हैप्पी बर्थडे श्वेता। थैंक यू, तुम्हें याद था? मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारा बर्थडे। मैं मानता हूँ मैं रात को जल्दी सो गया था इसलिए विश नहीं कर पाया तुम्हें, ऑफिस के चक्कर में मैं तुम्हारे को पूरे दिन विश नहीं कर पाया। मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, शायद तुम्हें पसंद आएगा। वाओ ये तो बहुत प्यारी है, तुम लेकर आए हो मेरे लिए, तुम्हारी चॉइस ना बहुत अच्छी है। थैंक यू श्वेता। यार मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा पति हूँ, मैं तुम्हें बर्थडे वाले दिन भी कहीं ना घुमा पाया ना कहीं लेके जा पाया, मैं मानता हूँ मैं बहुत बोरिंग पति हूँ श्वेता। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि तुम मुझे डिज़र्व नहीं करती हो, मुझसे भी अच्छा पति डिज़र्व करती हो, जैसे कि मेरा भाई, देखो कितना प्यार करता है, वो फन लविंग है, कहीं घुमाने फिराने भी लेके जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को। काश तुम्हारी शादी उस जैसे लड़के से हुई होती। नहीं नहीं ये आप क्या बोल रही हो, आप अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट हो और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। माना कि आपके प्यार करने का तरीका अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके प्यार को नहीं समझती। आप जो जिम्मेदारियां निभाते हो, अपने काम में बिजी रहते हो, हमारे लिए तो करते हो इतना सब कुछ, इसीलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और मैं आपसे बहुत खुश हूँ, और आपको भी ये फालतू बातें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यार तुम्हारे बर्थडे ख़त्म होने में बहुत थोड़ा सा ही टाइम बचा है, काश यार हम सेलिब्रेट कर पाते। भैया सेलिब्रेशन के टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सेलिब्रेशन का इंतज़ाम मैंने कर दिया है, आप दोनों के लिए ना मैंने लेट नाइट मूवी टिकट्स बुक करे हैं, तो अब दोनों आराम से भाभी का बर्थडे एंजॉय करना और सेलिब्रेट करना अच्छे से, ठीक है? दारी रा 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 रा।